तो लेट हो गई है इंटरव्यू के लिए। सॉरी यार, बस तुझे तो पता है ना, जब से पापा की जॉब छूटी है घर में बहुत दिक्कत हो गई है पैसों को लेके। बस आज कैसी करके जॉब लग जाए। चल चल चलते हैं। ओके श्योर। अरे काम्या, ओ शिट, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? कौन है ये? मैं बाद में बताऊंगी, तू चल अभी यहाँ से। चल पहले सच सच बता, वो कौन था? यार वो मेरा पुराना नेबर था। वो हमसे हमेशा से ना फाइनेंशियली बहुत बेटर पोजीशन में थे। बचपन से हमारी मजाक उड़ाता था हमारी फाइनेंशियल कंडीशन की। और अब तो उसे ये भी पता चल गया होगा कि पापा की जॉब चली गई है तो हमारी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। बस वो मुझे ना ह्यूमिलिएट करता और मैं वो सब टॉलरेट नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस वहां से अवॉइड करके चली आई। अब तो तू छोटी बच्ची नहीं है ना, अब क्यों नहीं कन्फ्रंट करती तू उससे? यार देख, वो ना बचपन में भी बदतमीज था और आज भी उतना ही बदतमीज होगा। मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। तू चल यहां से यार, प्लीज। ठीक है। हेलो, यू मस्ट बी काम्या, राइट? यस। आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स और सीवी दे दो। ओ शिट मैम, लगता है मेरे डॉक्यूमेंट्स कहीं गिर गए हैं। बिना डॉक्यूमेंट्स की हायरिंग का प्रोसेस आगे नहीं बढ़े। मैम प्लीज, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी बट देयर इज अ प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। मैम आप हमें एक दो दिन का वक्त दीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट पॉसिबल, टुडे इज द लास्ट डे। मैम प्लीज, आई एम सॉरी, यू कैन लीव। यार देख, इस करण ने मुझे दोबारा प्रॉब्लम में डाल दिया। मेरे डॉक्यूमेंट्स खो गए यार कहीं पर। बचपन में भी ये मुझे इतना ही तंग करता था और अब बड़े होकर भी ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अच्छी खासी जॉब मेरे हाथ से चली गई। तू परेशान मत हो, हम कहीं और ट्राई करेंगे, हो जाएगा। हेलो। हेलो मिस काम्या। यस। आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है पीडीटी ऑफिस में। पीडीटी ऑफिस से? पर मैंने तो वहाँ अप्लाई नहीं किया। मैम हमें आपका रेफरेंस मिला है कहीं से, इफ पॉसिबल आप अभी ऑफिस आ जाएंगे? या श्योर, मैं अभी ऑफिस आ जाती हूँ, आप बस मुझे एड्रेस दीजिए। श्योर, आई विल टेक्स्ट यू द एड्रेस। हैव अ नाइस डे। यू टू, बाय। यार अंश, मुझे पीडीटी ऑफिस से कॉल आया था, बोल रहे हैं मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। क्या पीडीटी से जॉब? लेकिन कैसे? I don't know. कह रहे थे कि किसी ने मुझे रेफर किया है और बोला कि अभी इंटरव्यू के लिए आ जाओ। I think I should go. चलो फिर। चलो, let's go. अच्छा हुआ ना कॉल आ गया। करण तू यहाँ भी आ गया मुझे परेशान करने। बचपन में मुझे तेरी वजह से प्रॉब्लम होती थी और आज भी हो रही है, और अब तो तू यहाँ तक आ गया, मेरा चांस खराब करने ना। रिलैक्स काम्या, मैं तुम्हारा कोई चांस खराब करने नहीं आया हूँ। ये ऑफिस मेरा ही है एंड एचआर को बोल के मैंने ही तुम्हें कॉल करवाया है। सुबह तुमने जल्दीबाजी में अपने डॉक्यूमेंट्स गिरा दिए थे एंड हमारे ऑफिस में भी हायरिंग चल रही थी, सो जब मैंने तुम्हारा सीवी चेक किया तो मुझे लगा कि इस जॉब के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और मुझे मेरे मॉम डैड ने बताया कि तुम्हारे फादर की जॉब चली गई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड काम्या, मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में जो भी किया उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली करण, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ पहले की तरह बहुत बुरा बिहेव करोगे, इसीलिए मैं वहां से चली गई थी। वेल, आई कैन अंडरस्टैंड। फिलहाल आपका एचआर वेट कर रही है एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। चलें। प्लीज। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.